गौतम, आनंद गौतम मतलब सिद्धार्थ गौतम के छोटे भाई। सिद्धार्थ गौतम मतलब सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध हुए। यह एपिसोड नंबर आनंद का 2 है। आनंद का जो जन्म है वो शाक्य कुल, शाक्य मतलब साख सब्जी उगाने वाले लोग, उनके कुल की जो गौतम लाइनेज है, यानी जो उनका वर्ण है गौतम जिसको बोला जाता है, गौतम लाइनेज जिसको गुप्त बोला जाता है, उसमें हुआ। शाक्य कुल के इस परिवार में सभी लोग गौतम गोत के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम के पीछे गौतम लगाएं या ना लगाएं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम के जो चचेरे भाई थे उनका नाम आनंद फेमस है, प्रमुख है, आप उनको आनंद गौतम भी कह सकते हैं। अमितोदन जो सिद्धार्थ गौतम के चाचा थे, यानी कि जो शुद्धोदन थे उनके भाई थे। अमितोदन का मतलब है अमित और ओदन। अमित माने होता है जो प्रचुर मात्रा में बाउंड्री लेस होता है, असीमित होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसको अमित बोलते हैं। और ओदन का मतलब है चावल, क्योंकि चावल सब तो बाद में पड़ा है, भारत के अंदर चावल प्रमुख उत्पादन रहा है, इसलिए सभी जो धन्य बोलते हैं, जो बाद में धान या धन्य हुआ, जो धन हुआ, वो चावल को ही, राइस को ही बोलते हैं, इसको ओदन बोला जाता है। और भी इसके बहुत सारे नाम आते हैं पाली के अंदर, क्योंकि ये प्रमुख फसल थी। आनंद गौतम का लगाव अपने बड़े भाई यानी सिद्धार्थ गौतम से बहुत ज्यादा था। कहते हैं आनंद भी लगभग उतने ही देखने में अच्छे थे जितने सिद्धार्थ गौतम। दोनों का रूप, दोनों का शरीर लगभग एक सा ही था। आनंद बाद में जाके उन्होंने दीक्षा ली, क्योंकि जब भगवान बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ गौतम थे, 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद में जब उनको बोधि प्राप्त हुई, हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हुई, उच्चतम ज्ञान शरीर के और मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में प्राप्त हुआ, मनुष्य के बारे में प्राप्त हुआ, तो वो सबसे पहले 2 महीने की पैदल यात्रा करके अपने 5 साथियों के पास गए, जिसमें उनका एक भाई महानाम भी था। बनारस जाके उन्होंने वहाँ आषाढ़ी पूर्णिमा को उनको दीक्षा दी। यहाँ इधर जो उनके पिता थे शुद्धोधन, शुद्धोधन का मतलब है शुद्ध और ओधन। शुद्ध माने होता है बिल्कुल प्योर, और ओदन माने होता है चावल। यहाँ अधिकतर नाम चावल के ऊपर ही हैं, क्योंकि बाद में ओदन सब में लगता है। तो उन्होंने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, और इच्छा जाहिर करने के लिए उन्होंने 6 कारिंदे, 6 मैसेंजर, 6 बात को पहुंचाने वाले, उनके निमंत्रण को पहुंचाने वाले, उनकी बात को पहुंचाने वाले, उन्होंने बुद्ध के पास, क्योंकि अब तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए हैं, बुद्ध के पास भेजे। मगर उनमें से एक भी लौट कर नहीं आया। सभी वहाँ बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करके और अपने आप को दुखों से मुक्त करने में लग गए। तब उन्होंने उनके बचपन के एक दोस्त, जो बचपन में उनके साथ खेलता था, कालूदाई, उससे उन्होंने कहा कि आप जाओ और जाके कहना कि उनके पिता उनसे मिलना चाहते हैं, 6 साल हो गए देखा नहीं है, साथ ही उनकी पत्नी है, पुत्र भी है, बाकी सब लोग भी हैं, देखना चाहते हैं। कालूदाई वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने, राजगीर में रहते थे उस समय भगवान बुद्ध, राजगीर में जाके वहाँ रहे 5 महीने तक। वहाँ धम्म सीखने के बाद में एक बार उचित समय देखकर उन्होंने भगवान बुद्ध से, तथागत बुद्ध से, अपने जो उनके पिता थे उनकी जो निमंत्रण था, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो बात थी, वो भगवान बुद्ध से कही। भगवान बुद्ध उस निमंत्रण को स्वीकार कर कुछ समय बाद वहाँ आए। समय यहाँ बहुत ढूंढा मगर मिला नहीं कि वो लगभग किस समय आए,
मगर बताते हैं कि वो जो दिवाली का दिन है, यानी जिसको दीपावली मनाते हैं, जो दीपावली जो उल्लास से मनाई जाती है, उस दीपावली का जो समय 7 दिन का है, जो छठ से लेके और जिसको धान तेरस यानी कि धान तेरस बोलते हैं, जिस समय धान घरों में आता है, तो धान तेरस से लेके और छठ तक के जो 7 दिन हैं, वो उन 7 दिनों में वहाँ रहे। 7 दिनों में पूरा वातावरण उल्लास से रहा और धम्म का प्रकाश पूरे शाक्य कुल में, पूरे शाक्य वंश में, पूरे कपिल वत्थु में जगमगाया रहा। और जाते समय 7वें दिन उनको बहुत सारी जो सामग्री है खाने की, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, वो दिया। सारे गांव के लोग आए, उसको ही छठ के रूप में मनाते हैं, ऐसा विद्वान बताते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो दीपावली उसी उल्लास के लिए, उसी प्रकाश के लिए, उसी प्रकाश उत्सव के लिए, धम्म के प्रकाश उत्सव के लिए जानी जाती है। वहाँ पर वो जब रह रहे थे उन 7 दिनों में, तो उनके छोटे भाई भगवान बुद्ध के जो सगे छोटे भाई थे, नंद, नंद का मतलब होता है प्रसन्नता, नंद की वहाँ शादी तय हुई थी और बहुत सुंदर स्त्री से हुई थी, मगर भगवान बुद्ध की शिक्षा और धम्म के आगे नंद ने शादी करने से मना कर दिया, और वो भी धम्म की सेवा के लिए धम्म में आ गए और अपने आप को मुक्त करने के लिए, जीते जी दुखों से मुक्त करने में लग गए। उधर जो राहुल की माता यानी जो भगवान बुद्ध की पूर्व पत्नी रही हैं, उन्होंने राहुल से कहा कि जाओ अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगो। वो हिस्सा मांगने के लिए पीछे पीछे आया। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास तो धम्म ही संपत्ति है, अगर चाहिए तो ले लो। राहुल इसके लिए तैयार होता है। 7 साल का छोटा राहुल धम्म में आता है और वो पवज्जा ग्रहण करता है। इस पर शुद्धोदन बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि बेटा गया, छोटा बेटा गया, मगर पोता भी चला गया। पोते से बहुत प्यार होता है दादा को, तो उन्होंने वहाँ भगवान बुद्ध से यानी बुद्ध से प्रार्थना की कि नियम बना दीजिए कि आज के बाद बिना अनुमति के किसी का नाबालिग पुत्र किसी भी हालत में प्रवजित ना हो, बच्चों को प्रवजित ना करें। बहुत दुख होता है। भगवान बुद्ध ने ये बात मानी और बच्चों को प्रवृत्त करने के लिए, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए नियम बनाया। भगवान बुद्ध जब वहां से 7 दिन चारिका करने के बाद कपिलवस्तु से आगे बढ़े, तो वो मल्ल राज्य में गए और मल्ल राज्य का जो अनुप्रिया शहर था, निगम था, निगम बोला करते थे या उसको नगर बोला करते थे, नाग लोग जहाँ रहते हैं वहाँ नगर और निगम भी से ही बना है, नाग से। जहाँ नाग लोग गमन करते हैं उसको निगम कहते हैं, और जहाँ नाग लोग रहते हैं वहाँ इसको नगर कहते हैं। तो मल्ल लोगों का जो निगम था, नगर था अनुप्रिया, उसके आम के बाग में जाके वो ठहर गए, क्योंकि अब नंद भी साथ है, भिक्कू संघ साथ है और राहुल भी साथ है। तभी वहाँ पीछे पीछे जो उनके बाकी भाई और उसमें जो उनके यहाँ सेवा करने वाला जो एक व्यक्ति था, वो वहाँ आते हैं और वहाँ आकर वो पवज्जा के लिए यानी धम्म सीखने के लिए उनसे अनुमति मांगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। शाक्य कुल के भद्दीय अनुरुद्ध उनके भाई हैं, भग्गु, किमिल और सुपुबुद्ध का जो पुत्र है देवदत्त, यानी अमिता और सुपुबुद्ध का जो पुत्र है उनका बुआ का लड़का देवदत्त, वो वहाँ आते हैं। और उनके साथ साथ ही आता है वहाँ पर जो उनकी सेवा करता है उपाधि। वो सभी लोग कहते हैं कि हमको धम्म की दीक्षा चाहिए, साथ में आनंद भी है, क्योंकि आनंद की ये कहानी चल रही है। तो सारे उनके भाई और उपाली जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान लेते हैं, और सबसे पहले उनकी रिक्वेस्ट पर उपाली को वो भिक्कू बनाते हैं, क्योंकि उपाली फिर सीनियर हो जाएगा, उपाली फिर उनसे बड़ा उम्र के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि भिक्कू जीवन पहले लेगा। तो सभी लोग जो उपाली की सेवा लेते थे
फिर उपाली को नमस्कार करेंगे। अगर उपाली बाद में दीक्षा लेगा तो फिर उपाली उनको नमस्कार करेगा, ताकि उपाली को हमेशा नीची स्थिति ना देखनी पड़े। इसलिए वो कहते हैं कि पहले उपाली को आप दीक्षा दीजिए। इससे पता चलता है कि उस समय मान सम्मान का कितना ध्यान रखा जाता था, खास तौर से धम्म में। तो आनंद उसी समय वहाँ दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद में जो मंताणी पुत्र पुण्य होते हैं उनसे धम्म कथा सुनते हैं। मंताणी पुत्र पुण्य से धम्म कथा सुनने के बाद में आनंद सोतापन्न हो जाते हैं। आनंद का नाम, आनंद का मतलब होता है प्रसन्नता, और नंद का मतलब भी होता है प्रसन्नता। दोनों में अंतर होता है। आनंद का मतलब है प्रसन्नता आती है, और नंद का मतलब होता है खाली प्रसन्नता। इसलिए जब उनका जन्म हुआ था तो चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ रही थी, इसलिए उनका नाम भी आनंद ही पड़ा। आनंद नाम बहुत ज़्यादा प्रमुख है। आप पूरे भारत में और आसपास के एरिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम आनंद रखते हैं, नंद रखते हैं, अपने व्यवसायों का नाम आनंद रखते हैं, अपने जो ट्रेडिंग होती है, अपने जो कंपनी होती है उसका नाम आनंद रखते हैं। हॉस्पिटल तो बहुत सारे आनंद के नाम से होते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन मिलता है। आनंद वन, आनंद शहर, आनंद नगर, आनंद धाम, आनंदपुर, आनंद साहेब, आनंदगढ़, आनंद के नाम से जितने भी जगहों के नाम, जितनी भी चीज़ों के नाम आपको मिलते हैं, वो सभी पाली का आनंद है। वही आनंद है जो भगवान बुद्ध के सेवक रहे और भगवान बुद्ध की अटेंडेंट रहे, भगवान बुद्ध की पूरे उन्होंने जीवन भर साथ दिया, और जो भगवान बुद्ध के कहने पर एक एक काम बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। यह है एपिसोड नंबर 2। अगले एपिसोड में बताएंगे वो 8 बातें, जिनमें 4 बातें उन्होंने बिल्कुल निषेध यानी कि डिनाइल की, और 4 बातें उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी हैं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। भगवान बुद्ध से आनंद ने 8 बातों की बात कही।